हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग का एक टॉपिक। फाइनेंशियल प्लानिंग का टॉपिक अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ये जो है आपके पेपर सेटर का जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसको कह सकते हो, या फेवरेट क्वेश्चन उसको कह सकते हो, जो कि एग्ज़ाम में आपको ज़रूर 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 दिखेगा। जरूर जो है आपको ये करके भी आना है, ठीक है। सो यहाँ पर फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है और वो कैसे किसी भी जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स की वजह से ये प्लानिंग की जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, फाइनेंशियल का सीधा सीधा मतलब होता है रोकड़ा से, पैसा से, आपके फाइनेंस से, आपके अमाउंट से, जो कि आपके बिजनेस में आप डाल रहे हो। तो आपका सीधा सीधा फाइनेंशियल का मतलब या फाइनेंस का मतलब होता है पैसों के रिगार्डिंग। और प्लानिंग का मतलब तो आप सभी जानते हो, प्लान करना, यानी पहले से ही उसके बारे में एक फोरकास्टिंग करना, एक ऑब्जेक्टिव सेट करना और उसको अचीव करने के लिए जो है आप उसके बीच के सारे प्रोसेस करते हो। अब यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग करना, क्योंकि जब हम प्लानिंग की बात करते हैं बिजनेस में तो हम पूरे बिजनेस की प्लानिंग की बात करते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग की बात करते हैं। बट जहाँ हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया दैट फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि पैसों से रिलेटेड प्लानिंग करना, फाइनेंस से रिलेटेड प्लानिंग करके रखना। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि वो एक प्रोसेस जहाँ पे आप सेट करते हो कि क्या आपको चाहिए, आपको कौन से जो है गोल्स अचीव करने हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स, और उसको जो है एनालाइज करते हो एन इंडिविजुअल्स और एन ऑर्गेनाइजेशंस करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, और जो आपकी करंटली फाइनेंशियल सिचुएशन है उस लिहाज से उसको जो है आप बाद में कैसे अचीव करोगे, करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और जो आपको अचीव करना है उसको, ये पूरा एक एनालिसिस करते हो। ये आपका पूरा प्रोसेस यहाँ पे होता है। यहाँ आप एस्टिमेट करते हो कि फ्यूचर में हमको किन किन चीज़ों की, किन किन रिसोर्स की आवश्यकता पड़ सकती है और उसमें कितना पैसा लगेगा, एंड डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज, ताकि और साथ ही साथ क्या करते हो यहाँ पे, वो स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हो ताकि वो फाइनेंशियल एफिशिएंसी बनी रहे। अब देखो, आपने देखा होगा घरों में क्या होता है, घरों में आपने यूजुअली, अभी तो फिलहाल थोड़ा सा सिचुएशन सुधरी है, बट आपने, अगर आप 90s किड हो लाइक मी, ठीक है, या फिर थोड़ा सा आपके घर में है 90s के किड्स भी हैं, जैसे कि आपके बड़े भाई बहन हो गए, तो आपने ना ज़रूर अपने पेरेंट्स के मुँह से, आपके मदर के स्पेशली मुँह से ये सुना होगा कि ये तो जब से पैदा हुई है मैंने इसके लिए दहेज इकट्ठा करना शुरू कर दिया, इसकी शादी का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो अ प्लानिंग। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करते हो, पहले से ही प्लान करते हो कि भाई मुझे जो है अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर के जाना है, और इस सिचुएशन में वो क्या करते हैं, उनको पता होता है कि यार आगे लेके जाना है तो मुझे सेटअप बनाना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरीज डालनी पड़ेगी, इक्विपमेंट्स डालने पड़ेंगे, और ये सब कहाँ से आएगा, ये आएगा पैसे से, और हमारे पास कुबेर जी तो बैठे नहीं हुए हैं हमारी पिछली सीट पर कि जो कहेंगे कि ले बेटा ले ले ले, एक गड़वा तेरे ऊपर उठेल देता हूँ, एक बॉटल पानी तेरे पे उड़ेल देता हूँ, तेरे पास पैसा आ जाएगा, ऑब्वियसली नॉट। सो इट मींस आपको जो है फ्यूचर में कुछ रिक्वायरमेंट्स होने वाली है पैसों की, जो आपको अभी से प्लान करनी पड़ेगी कि भैया मुझे ये रिसोर्सेज चाहिए, मुझे इन पर्टिकुलर रिसोर्सेज के लिए इतना खर्चा चाहिए, इन पर्टिकुलर रिसोर्सेज को बाय करने के लिए इतना कैपिटल मुझे चाहिए, इतना फाइनेंस मुझे चाहिए। तो ये सारा जो आप पहले से ही एस्टिमेशन करते हो, और ये सोचना कि ये कहाँ कहाँ से आएगा, और उसका प्लानिंग बैठाना कि देखो एक काम करता हूँ, अभी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता हूँ, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, और जब मुझे 15 साल बाद मशीनरी या बिल्डिंग लेनी होगी तो वहाँ पे मेरे पास एक अच्छा एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा। तो इस तरीके से आप पहले से ही पूरा प्लान करके चलना, तो वो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाती है। जो ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो होता है कि इंडिविजुअल्स को, फैमिलीज को, या फिर बिजनेसेस को जो है इन्फॉर्म्ड किया जा सके, एक तरीके से एक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस वो ले सके पहले से ही कि उनके जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और जो उनको फ्यूचर में गोल आपको सेट करना है। जैसे कि आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड्स की एड्स आती हैं, उसमें कहता है ना कि मैं भी अपने बेटे की शादी ऐसे ही करूंगा, तो ठीक है, वो छोटा सा बेटा उसने गोद में ले रखा है, 4 दिन पैदा नहीं हुआ और उसके शादी की बात कर रहा है, और क्यों, क्योंकि उसको पता है कि भैया आज इतना खर्चा हो रहा है, सो इन फ्यूचर जब ये बड़ा हो जाएगा, व्हेन ही विल ग्रो अप, देयर विल बी मोर एक्सपेंसिव थिंग्स अराउंड अस, और वो जो है उसके लिए वो बाय करना ही पड़ेगा, तो इसलिए अभी से वो जोड़ना शुरू कर देता है। वो कहता है तो म्यूचुअल फंड में डाल दे ताकि अभी से जो है बाद में पैसा आपके आ जाए। वहीं एक और एडवर्टीजमेंट थी जहाँ पे वो उसका बेटा जो है क्रिकेट खेल रहा होता है, तो उसके लिए जो है इन्वेस्टमेंट करता है ताकि फ्यूचर में उसको जो है सपोर्ट किया जा सके। सो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से बताया जाना ये भी फाइनेंशियल प्लानिंग है। फाइनेंशियल प्लानिंग का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि ऑर्गेनाइजेशन ही करती है, इंडिविजुअल्स भी करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं,
ठीक है, हमारे पेरेंट्स भी करते हैं. सो चाहे इंडिविजुअल हो, फैमिलीज हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, सब में आपकी जो है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है. सो चाहे एज एन इंडिविजुअल भी देखो, आप भी फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हो दैट इन फ्यूचर मुझे अगर गाड़ी लेनी है तो मुझे अभी से पैसे इकट्ठे करने हैं, मुझे अगर 2 करोड़ का एक जो है एक्युमुलेटेड अमाउंट चाहिए मुझे रिटायरमेंट तक का, तो वहाँ पर भी आप क्या करते हो, म्यूचुअल फंड्स या अदर चीज़ों में. म्यूचुअल फंड्स एक बेसिक कॉन्सेप्ट आजकल है इसलिए बार बार ये नाम ले रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर किसी की एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही, बट एक तरीके से आप जो है अभी से थोड़ा थोड़ा उसको जोड़ते हो, मार्केट्स में डालते हो या जो भी आपका प्रेफरेंस होती है उसमें डालते हो, ताकि आप फ्यूचर में अपने जो भी फाइनेंशियल गोल है, जो आपका फाइनेंस के तौर पे गोल है कि मुझे इतना पैसा, इतना भंडार मुझे अपनी पॉकेट में चाहिए, वो फाइनेंशियल गोल को आप अचीव कर सको, इसके लिए आप जो है प्लानिंग करके चलते हो. कुछ की ऑब्जेक्टिव्स जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग के होते हैं. सबसे पहले गोल सेटिंग. गोल सेटिंग यानी कि आप गोल सेट कर लो. जैसे कि अगेन म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लूँगी क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा आप इससे ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाओगे, क्योंकि इसकी भी एक एडवर्टीजमेंट आई थी कि आपके जो है अलग अलग गोल हैं तो आप अलग अलग म्यूचुअल फंड कर दो, गाड़ी लेने के लिए अलग, इसके लिए अलग. सो इट मीन्स आपके जो है बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं. डजंट मीन कि आपका सिर्फ एक गोल है, एक इंसान है तो एक गोल नहीं रहेंगे, ठीक है. उस हर एक इंसान के कई सारी इच्छाएँ होती हैं और उसके लिए उसको पैसा चाहिए होता है. तो आप पहले गोल सेट कर लो कि मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मेरा फाइनेंशियल गोल ये है, मुझे रिटायरमेंट के लिए सेव करना है, मुझे बच्चों के एजुकेशन के लिए सेव करना है, खुद की एजुकेशन के लिए भी सेल करना है, सेव करना है, बुढ़ापे में भी पढ़ सकते हैं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती तो मैं सेव करता हूँ, रिटायरमेंट लेके पढ़ूंगा मैं. तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आप अपना गोल सेट कीजिए, ठीक है. आपका गोल खुद हो कुछ भी हो सकता है. आपका गोल हो सकता है कि पैसा इकट्ठा करके रिटायरमेंट के बाद बंजी जंपिंग करूँ, ये करूँ, वो करूँ, मतलब ये सारी चीज़ें मैं अपना देखूं. या आपका गोल हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद मुझे जो है सोशल सर्विस करनी है, उसके लिए पैसा इकट्ठा कर लेता हूं. सो ये जो है गोल सेट करना इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है, क्योंकि उससे आपको ये पता चलेगा कि उसमें आपका कितना पैसा जा सकता है, ठीक है. जैसे अगर आपको घर लेना है, आपको पता है यार अगर मेरा जो है लेविश लाइफ है तो मुझे 1-2 करोड़ लगेंगे, ठीक है. अगर नॉर्मल लाइफ है तो हो सकता है 40-50 लाख का एक अच्छा खासा बहुत बढ़िया मेरे अकॉर्डिंग घर आ जाए. तो वो गोल सेट करना ताकि उससे आपको पता चल सके कि आपको कितना पैसा चाहिए. उसके बाद बजटिंग एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट, यानी कि बजट बनाना कि भैया फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी है, उसका ऑब्जेक्टिव पता चल गया, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, क्या लेना है पता चल गया. अब जो है उसका बजट बनाना कि इसमें जो है इतना खर्चा आएगा. गाड़ी लेनी है बट वो लेनी है BMW लेनी है तो 1 करोड़ रुपए तक का तो लगेगे ही लगेंगे. तो यहाँ पे जो है एक बार आपने ऑब्जेक्टिव देख लिया, उसके बाद बजटिंग देखना कि भैया जो मेरा ऑब्जेक्टिव था उसके अकॉर्डिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग मुझे कितना बजट बनाना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग मुझे जो है अपना कैश फ्लो इफेक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा. यहाँ पे इन्वॉल्व होता है अपनी इनकम ट्रैक करना कि कितनी इनकम हो रही है, कितने एक्सपेंसेस हैं, कितने सेविंग्स हैं, और इंश्योर करना कि जो आप स्पेंड कर रहे हो वो फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग हो. आपने सोच लिया मुझे बुगाटी लेनी है, आप जॉब कर रहे हो 25-30 हज़ार रुपए की, ठीक है, और उसी में जो है 12-13 हज़ार का आपके घर का किराया जा रहा है, बाकी चीजें जा रही है, तो ये क्या है, दिस इज अ स्टूपिड थिंग. तो यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हाट एवर योर ऑब्जेक्टिव इज, लेटर देन फाइंडिंग आउट योर ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद आप क्या करते हो, आप जो है अपने खर्चों को भी देखते हो, अपनी इनकम्स को भी देखते हो कि ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, ये सेविंग है, और साथ ही साथ आप देखते हो कि जो मेरी स्पेंडिंग है क्या वो मैं अगर ऐसा ही करता रहा तो मेरे फाइनेंशियल गोल कंप्लीट हो पाएंगे या नहीं. देखो सोचने को तो मैं भी सोच सकती हूँ कि मैं ताजमहल खरीद लूँ, बट औकात मेरी है या नहीं दैट एक्चुअली आई नो वेरी वेल. तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी चीज़ें खुद समझना, ठीक है. तो वो फाइनेंशियल गोल्स अपना सोचना, फाइनेंशियल गोल्स के साथ अपनी जो है सफिशियंट कैश फ्लो बनाए रखना ताकि आप जो है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मेट भी कर पाओ कि भाई अगर ताजमहल चाहिए तो डेली के 1 करोड़ रुपये बचा लो ताकि कल को उसको खरीद पाओ जो भी आपका टाइम पीरियड बाद है, हालांकि वो बिक नहीं रहा, जस्ट एन एग्जांपल आई एम सेइंग दिस, ओके. रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग जो है आप एम करते हो टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज रिस्क, जो कि आप क्या करते हो दैट कैन इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. कई बार क्या होता है आपने जो है जिससे आपने म्यूचुअल फंड, अगेन आई एम टेकिंग द एग्जांपल, म्यूचुअल फंड की एड्स आती हैं तो आपने वहाँ देखा होगा दैट म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भैया ये मैनेज, ये आपको जो है खुद मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पैसे सेव करते हो आप सिंपली सेविंग अकाउंट में या FD में रख करके अपने पैसे बढ़ा नहीं सकते, ग्रो नहीं कर सकते. सो वट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पुट इट
इट इनटू मार्केट और सम अदर एक तरीके से डेरिवेटिव सिचुएशंस जहाँ पे आपको जो है वहाँ से एक अच्छा ग्रो मिल सके, ठीक है, जहाँ से अच्छा एक रिटर्न मिल सके. सो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको आप इस तरीके से करो कि रिस्क भी मैनेजमेंट हो जाए. जैसे कि आपकी जो है असेस रिस्क आपके हो सकते हैं कि भैया जिसमें आपने इनकम डाली है उसमें इनकम का कुछ रिस्क हो. तो यहाँ पे रिस्क सच एज लॉस ऑफ इनकम, हेल्थ इश्यूज, डिसेबिलिटी और नेचुरल डिजास्टर एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी सच एज इंश्योरेंस कवरेज, एमरजेंसी फंड्स एंड कंटीजेंसी प्लान्स टू मिटिगेट दोस रिस्क. देखो आपकी लाइफ में ना जब आप प्लानिंग करने बैठते हो तो भैया ऊपर बैठा हुआ जो है ना आपका भगवान वो ऐसी प्लानिंग दिखा देता है आपको कि आपके ना तोते उड़ जाते हैं. सो समटाइम इट हैपन कि आपने सोचा कुछ था उसका पॉजिटिव में बहुत हो गया या फिर जो है उसका नेगेटिव वे में बहुत कुछ अलग ही सिनारियो बन के आ गया. सो लेट सपोज आपने सोचा था कि यार मैं बुगाटी लूँगा, मैं उसके आप उसके अकॉर्डिंग जो है पैसे इकट्ठे भी कर रहे थे और अपना जो है सेविंग्स भी कर रहे थे अच्छी थोड़ी बहुत और उसका जो है बाकी पैसा सारा बुगाटी के फंड के लिए डाल रहे थे. अब ऐसा हो गया कि मार्केट क्रैश हो गया और आपने पैसा मार्केट में डाला हुआ था. हो सकता है आपकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ख़राब हो गए और आपको जो है सारा पैसा निकाल करके अपने ऊपर खर्च करना पड़ गया, हेल्थ इश्यूज़ करने पड़े खर्च करना पड़ गया. तो इसलिए ये सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं आपकी लाइफ में भी और आपके एंटरप्राइजेस में भी कि कुछ डिज़ास्टर आ गया या कुछ हो गया. तो ये सारे जो आपके रिस्क है इनको भी आपको लेकर के चलना पड़ेगा. दैट अगर मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो कल को ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बच्चा बीमार हो जाए, माँ बाप बीमार हो जाए या कोई भी बीमार हो जाए उसके लिए भी पैसे चाहिए. तो उन सब चीज़ों के लिए आप पहले से ही थोड़ा सा एमरजेंसी फंड्स बना करके रखिए ताकि आपका जो वो फाइनेंशियल गोल है उस पर आँच ना आए, वो अपना चलता ही रहे, उसमें प्रॉब्लम ना आए. इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं या फिर जो है और प्लान्स ले सकते हैं जिससे इस टाइप के रिस्क जो है कम हो जाए. इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को और बिजनेसेस को कि वो एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाए जो कि उसके रिस्क टॉलरेंस, टाइम हॉरिजॉन एंड फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग हो. जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड लेने जाओगे ना तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका रिस्क टॉलरेंस पावर कितना है, क्या आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो या कम रिस्क ले सकते हो. अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो वो हाई ब्लू चिप आपके हाई रिटर्न हाई रिस्क वाले टाइप के इक्विटीज में पैसा डाल सकते हैं. बट इफ़ यू विल से दैट नो आई डोंट वॉन्ट टू टेक मोर रिस्क, तो वो आपका पैसा डेप्ट फंड्स में डालेंगे जहाँ पे कम रिस्क होता है और एक जो है रेगुलर इनकम आपको मिल सकती है एक आपके इंटरेस्ट के रूप में. तो इस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग आपको हेल्प करती है इंडिविजुअल को और बिजनेस को कि वो एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाए कि उनके रिस्क टॉलरेंस पावर कितनी है, टाइम उनको कितना चाहिए कि भाई 10 साल तक या 15 साल तक आप पैसा रख सकते हो तो ठीक है, या फिर फाइनेंशियल गोल आपका क्या है. अगर बड़ा गोल है तो वहाँ पे आपको पैसा भी बड़ा चाहिए और बड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा. इट इन्वॉल्व एसेट एलोकेशन, यहाँ पे क्या होता है एसेट का एलोकेशन होता है, डाइवर्सिफिकेशन कि कहाँ कहाँ पैसा डालना है, सिलेक्ट करना कि कौन सा इन्वेस्टमेंट उनके लिए सूटेबल है, उनका इन्वेस्टमेंट व्हीकल कौन सा उनके लिए सूटेबल है ताकि वो जो है मैक्सिमम रिटर्न जो है वहाँ से ले सके और अपना रिस्क मैनेज कर सके. टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आप देखना कई बार क्या होता है जब लास्ट ड्यू डेट्स लास्ट डेट आ रही होती है आपकी साल की, यानी 31 मार्च आ रहा होता है जो कि अकाउंटिंग ईयर में फाइनेंशियल ईयर में आपका लास्ट डे होता है, तो वहाँ पे जो है आपने कई बार सुना होगा लोग कहते हैं कि आखिरी दिन बचे इन्वेस्टमेंट कर लो. तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट आपके टैक्स सेविंग लेकर के आते हैं. जैसे कुछ दोस्त आपका जो है बुरी किस्मत लेके आते हैं ना, वैसे ही टैक्स कुछ आपके जो है इन्वेस्टमेंट टैक्स सेविंग लेकर के आते हैं. सो टैक्स सेविंग टैक्स आपको यहाँ पे बन जाता है. तो इसीलिए आप कई बार क्या करते हो, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो वहाँ पे इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग भी साथ में लेकर के चलते हो ताकि टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाए. जैसे आपने देखा होगा LIC में इन्वेस्टमेंट करने से जो है मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का आप जो है डिडक्शन ले सकते हो अंडर सेक्शन 80C जो हमने इनकम टैक्स में कवर अप किया था, ठीक है. और इसी तरीके से कई सारे डिडक्शन क्रेडिट एग्जेम्पशंस आप ले सकते हो जहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हो रही हैं. ULIP यूनिट लिंक जो आपके होती हैं उनके आप ले सकते हो, आपके जो शेयर्स होते हैं तो वहाँ पे आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हो. तो इस तरीके से आप अगर प्लान करना चाहो कि भैया आपकी प्लानिंग भी होती रहे, फाइनेंशियल भी जो है स्ट्रांग होता रहे, साथ ही साथ टैक्स भी बचता रहे, तो ये भी आपका पॉइंट हो सकता है फाइनेंशियल प्लानिंग के पीछे जो आप कर सकते हो. नेक्स्ट है रिटायरमेंट प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग आपको हेल्प करता है इंडिविजुअल्स को ताकि वो अपना फाइनेंशियली सिक्योर रिटायरमेंट ले सके बाय एस्टिमेटिंग फ्यूचर रिटायरमेंट नीड्स. अपनी रिटायरमेंट की फ्यूचर नीड्स को वो थोड़ा सा पहले से ही एस्टिमेट कर ले और फिर जो है क्या करे, फाइनेंशियल प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग करे. इवैल्यूएट करे पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ इनकम कि कौन कौन से सोर्सेज ऑफ उनके इनकम हैं, जैसे कि पेंशन या इन्वेस्टमेंट उनको चाहिए या क्या चाहिए,
चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपना सेविंग करें। जैसे आजकल कितने सारे पेंशन स्कीम्स हैं, अटल पेंशन स्कीम, PPF हो गया, वहाँ पे अलग अलग पेंशन स्कीम्स, तो ये सारी आपकी ऐसी स्कीम्स हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा अमाउंट दे सकती है। तो वो भी आप पहले से प्लान करके रखो कि भैया मेरे पास 1,00,000 रुपये का इनकम आ रहा है महीने का, मैं इसका जो है थोड़ा सा 10,000 रुपये अपनी पेंशन स्कीम में डाल देता हूँ ताकि इन फ्यूचर व्हेन आई विल गेट रिटायर्ड आई विल रिसीव अ रेगुलर इनकम जो कि मेरे खर्चों को कंप्लीट कर पाएंगी और मुझे अपने बच्चों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा या किसी और की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। स्टेट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या इंक्लूड होता है, डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज टू मेंटेन एंड डिस्ट्रीब्यूट एसेट्स ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम एंड आफ्टर डेथ। स्टेट प्लानिंग क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग में आपका एक डेवलपिंग स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आप क्या करते हो, मैनेज करते हो एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो एसेट्स को, जहाँ पे आप जो है उसको ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम एंड आफ्टर डेथ कर सकते हो। इट इन्वॉल्व क्रिएटिंग विल्स, जैसे कि आपका विल क्रिएट करना, ट्रस्ट क्रिएट करना, इस्टेब्लिशमेंट पावर करना और अटॉर्नी टू इंश्योर द ऑर्डरली ट्रांसफर ऑफ वेल्थ एंड मिनिमाइज स्टेट टैक्सेस। सो ये था गाइज आज का हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग का टॉपिक, आई होप आपको समझ आया हो। फाइनेंशियल प्लानिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो।